हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यूज इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जनरली दो वर्ड्स से मिलके बना है, जियो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। जियो मीन्स है अर्थ सरफेस या फिर एनवायरमेंट एंड इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स है फैक्ट अबाउट समथिंग। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद डिसेमिनेशन किया जाता है अर्थ सरफेस या अर्थ सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। या फिर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी और साइंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि स्पेशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको स्टोरेज किया जाता है एंड डिसेमिनेशन किया जाता है। स्पेशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको कि स्पेशियल डेटा से प्राप्त की जाती है, और स्पेशियल डेटाज वे डेटा होते हैं जो कि किसी लोकेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें कि लोकेशन स्पेसिफिक या फिर प्लेस स्पेसिफिक या स्पेस स्पेसिफिक या फिर वो फील्ड स्पेसिफिक हो सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक इंटीग्रेटेड टूल है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को स्पेशियल एंड अर्थ इन्फॉर्मेशन को या फिर अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा के थ्रू गैदर किया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक्सेट्रा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हमने पहले बात की है, ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डेटा के आधार पर। स्पेशियल डेटा वो डेटा होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी लोकेशन से रिलेटेड होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, और नॉन स्पेशियल डेटा वे डेटाज होते हैं जो कि अर्थ सरफेस के डेटाज होते हैं जो कि लोकेशन से रिलेटेड नहीं होते हैं। रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे कि शॉर्ट में GPS के नाम से जाना जाता है एंड RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स हैं जिनके थ्रू जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जो प्रोसेस है उसे कम्प्लीट किया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च किया जाता है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाता है, विभिन्न प्रकार की अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का असेसमेंट करके, मॉनिटरिंग करके, प्लानिंग करके एंड उसका मैनेजमेंट करके। एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट करना ज़्यादा असेंशियल इसलिए हो गया है क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके स्कैरिसिटी या फिर उनकी जो कमी है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे कि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को आने वाले फ्यूचर में बचा के रखने के लिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ करके प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का हमें मैनेजमेंट करना होगा और उनको कंजर्व करके रखना होगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप के लैंड या फिर वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको कंजर्व करना होगा और उसका मिनिमम यूज़ करके भी फूड के प्रोडक्शन को अल्टीमेट इंक्रीज करना होगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो जनरली इन्वॉल्व करता है जो भी एग्जिस्टिंग लैंड है, ऐसी लैंड जो पहले से उपस्थित है उस पर किस प्रकार की क्रॉप्स को किस वे में ग्रो किया जा रहा है, वहाँ की सोइल कैसी है, सोइल टाइप कैसा है और उस सोइल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हमें जानने को मिलती हैं। तो जो भी टाइप की सोइल होगी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब फार्मर को पता लग जाएगी तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके अपने इल्ड में इंक्रीमेंट ला सकता है। डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडीज या फिर सरफेस वाटर बॉडीज जो हैं उनका पता लगाने में जियो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प करता है डिफरेंट टाइप के टूल्स के की सहायता से। उसके अलावा ये नेचुरल कैलामिटीज जो होते हैं उनके मैनेजमेंट में भी हेल्प करवाता है। नेक्स्ट है कि ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें कि टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल्स जो कि कार्टोग्राफी है, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, सर्वेइंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका यूज़ करके अर्थ से रिलेटेड जो भी डेटाज हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके उनको प्रोसेसिंग करने की जो कार्य है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू पॉसिबल है।
नेक्स्ट आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस, सेकंड जियोडेसी, थर्ड कार्टोग्राफी, फोर्थ फोटोग्रामेट्री, फिफ्थ रिमोट सेंसिंग, सिक्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे कि शॉर्ट में GPS के नाम से जानते हैं, एंड सेवन्थ है ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसे कि शॉर्ट में GIS के नाम से जानते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के फर्स्ट टूल की बात करते हैं, फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जनरली एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेटिक्स है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर साइंसेज का जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रत्येक फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्रॉप से रिलेटेड प्रत्येक फील्ड में जितने भी डेटास होते हैं वो डेटास बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको सिर्फ नोट करके स्टडी करना या फिर उनकी कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो कंप्यूटर साइंसेज की हेल्प से उन कॉम्प्लेक्स डाटा की स्टडी की जा सकती है और उनको एक लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है और उनका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जियोडेसी। नेक्स्ट जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल है वो है जियोडेसी। जियोडेसी एक ऐसी साइंस है जो कि अर्थ के शेप की और अर्थ के एरियाज़ की स्टडी करवाता है, यानी कि अर्थ की स्पेसिफिक साइज़ कैसी है और उसका लोकेशन मेज़र करने की जो साइंस है वही जियोडेसी है। जियोडेसी बेसिकली जियोलॉजी की ही एक ब्रांच है। जियोडेसी जो है वो अर्थ की शेप एंड डायमेंशन की स्टडी करता है दो ब्रांचेज की मदद से, जिसमें फर्स्ट है ग्रेविमेट्री एंड सेकेंड है पोजिशनिंग एस्ट्रोनॉमी की सहायता से ये अर्थ सरफेस की अर्थ की शेप एंड डायमेंशंस की स्टडी करता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का नेक्स्ट टूल है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जनरली एक ऐसी साइंस या आर्ट है जिससे कि मैप को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर मैप को डिज़ाइन किया जाता है। कार्टोग्राफी जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्टा प्लस ग्राफी। कार्टा का मीन्स है मैप और ग्राफी का मतलब है कि कुछ लिखा हुआ, समथिंग जो कि जिसे कि रिप्रेजेंट किया गया हो लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में, यानी कि एक मैप के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषता को बताया जाएगा लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में बताया जाएगा। तो ये एक ऐसी आर्ट और टेक्निक है जिसमें कि मैप्स को बनाया जाता है लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में। कार्टोग्राफी जो है उसमें ओरिजिनल फील्ड वर्क जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को इजीली मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड उसको आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट आता है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री जनरली तीन वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस ग्राम प्लस मैट्री। फोटो का मतलब होता है लाइट, ग्राम का मतलब है ड्राइंग एंड मैटर का मतलब है मेजरमेंट करना। यानी कि फोटोग्रामेट्री जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ज्योमेट्रिक और किसी भी अर्थ सरफेस के ऊपर उपस्थित किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को फोटोग्राफिक इमेजेस के द्वारा बताया जाता है। यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेजेस बनती हैं या जो फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं उनकी हेल्प से अर्थ सरफेस पर उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन और शेप का मेजरमेंट कर सकते हैं। फोटोग्रामेट्री जो है वो विभिन्न प्रकार के वेरियस फील्ड ऑपरेशंस में जैसे कि मैपिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड जियोलॉजी, इन सब फील्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि एक दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही उस ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की जो प्रोसेस है उसे ही रिमोट सेंसिंग बोला जाता है, जिसमें कि अर्थ लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या फिर एटमोस्फेयर के किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है वो एक मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा की जाती है, उस मैकेनिकल डिवाइस को नाम दिया जाता है रिमोट सेंसर्स। यानी कि रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है वो रिमोट सेंसर्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। इस डिवाइस को इस एबिलिटी के आधार पर बनाया गया है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बिना उसके फिजिकल टच में आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशंस की सहायता से बनाती है। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशंस के ऊपर डिपेंड करती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, सन से जितनी भी सन रेडिएशंस आएंगी वो अर्थ सरफेस के ऊपर उपस्थित ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती हैं। इनमें से कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि सैटेलाइट के द्वारा ग्रहण की जाती है, और ये रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके ऊपर रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मीन्स GPS, जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह वर्क करता है, क्योंकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी एक फीचर की स्पेसिफिक लोकेशन बता देता है, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड को मिलाकर एक एक्यूरेट पोजिशन बताने में हेल्प करता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे कि विभिन्न प्रकार के पेस्ट इंसेक्ट, इन सब की पॉपुलेशंस वगैरह, इन सब की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इन सब का पता ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर लगा लिया जाता है। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल आता है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसे शॉर्ट में GIS के नाम से भी जाना जाता है। GIS जो है वो जनरली एक सॉफ्टवेयर है, जिसे कि जनरली सोयल सरफेस से रिलेटेड जितने भी डेटास होते हैं ये उनको स्टोर करता है और उनको मैप के फॉर्म में जनरेट कर देता है।